नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के YouTube चैनल ब्रिजटेक में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में एक क्वेश्चन पूछा था, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बुध, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में देना था। आपने दिया और आपने लिखा कमेंट सेक्शन में बुध, बहुत अच्छा किया दोस्तों। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं, जो है वह कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो कंचनगंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। तो आपको ये याद रखना होगा कि कंचनगंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? वो होगा उत्तर दोस्तों असम। असम राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? जो चीन देश है एक, और असम जो है वो भारत का एक राज्य है, तो असम के किस दिशा में स्थित है चीन? तो उत्तर होगा इसका उत्तर दिशा की ओर है चीन। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? पूर्व उत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर में, पूर्व और उत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो उत्तर होगा इसका लोथल। लोथल किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? किस शासक ने, मतलब शासक मतलब पहले के समय में, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने। रेशम की कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो उत्तर होगा सहतूत की पत्ती। क्या? सहतूत की पत्ती। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? जो चोल प्रशासन होते हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। ग्रामीण स्वायत्तता। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे श्री गोपाल राजगोपालाचारी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उत्तर होगा सी राजगोपालाचार। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे। किसके? तात्या टोपे के सहयोग से। वसा की अधिकता से क्या क्या रोग होते हैं? वसा की अधिकता से क्या क्या रोग होते हैं दोस्तों? तो मोटापा व उच्च रक्तचाप। विश्व के 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर होगा दूसरा, पहला चीन का है। बीबी का मकबरा किस राजा ने बनवाया था? बीबी का मकबरा किस राजा ने बनवाया था? उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब राजा ने, वो राजा है जो कि बीबी का मकबरा बनवाया था। इंडियन मिरर का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू किया गया? इंडियन मिरर का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू किया गया? तो उत्तर होगा इसका 1861 ईस्वी में। उड़ीसा उपन्यास सौदामिनी के उपन्यासकार हैं। उड़ीसा उपन्यास सौदामिनी के उपन्यासकार हैं रमाशंकर राय। धरती की 3 संकेंद्री परतों में कौन सी परत मध्यवर्ती परत कहलाती है? धरती की 3 संकेंद्री परतों में कौन सी परत मध्यवर्ती परत कहलाती है? उत्तर होगा मेटल। शक संवत किसने चलाया था? शक संवत, विक्रम संवत आप लोगों ने सुना होगा, तो शक संवत किसने चलाया है? उत्तर होगा इसका कनिष्क। कनिष्क देश के राजा ने कनिष्क। अब चलिए आज का आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है?
तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। जैसे जनसंख्या में चीन है और भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि में, उसी तरह से विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं हमारे तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं दोस्तों। और कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका रिवीजन होता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।